नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूँ सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, यहाँ पर आपके लिए कलाम एकेडमी सीकर का पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम हिंदी का पेपर हल करने वाले हैं। देखिएगा, सुबह मैंने यहाँ जो कल कलाम एकेडमी सीकर ने आपके जो प्री रीड का आयोजन करवाया था साथियों, तो उसके साइकोलॉजी का मैंने हल करवाया था सुबह, और अब हिंदी का हल करेंगे जो कि लेवल एक और लेवल दो साइंस में SSST और लेवल एक सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। आशा है आपको इस चैनल से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कम से कम दो जगह शेयर कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथियों। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। देखिएगा, खंड सेकंड के अंतर्गत भाषा प्रश्न हिंदी हम हल करने वाले हैं, और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है साथियों? 30 प्रश्न हैं। तो पहले हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, पैसेज है आपके, प्रश्न देखो 31 से 35 तक के उत्तर गद्यांश के आधार पर आपको करना है। तो लोक प्रचलित फिर अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था, और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे, और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी रचना का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता है। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी साधी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था यदि मेरे मन के लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था। तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। तो इस प्रकार आपके ये गद्यांश था। अब इसके आधार पर 31 से 35 तक जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देना है। तो चलिए 31वें प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 31 है, महाकाव्य में समास है अव्ययीभाव समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो बताइए प्रश्न नंबर 31 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। पहली चीज, महाकाव्य को अगर हम देखें तो महाकाव्य का समास विग्रह होता है महान है जो काव्य। क्या होता है? महान है जो काव्य, उसको क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। तो काव्य की विशेषता बताई जा रही है कि काव्य कैसा है, महान है। तो साथियों, इसलिए जहां विशेषता बताई जाती है कौन सा समास होता है? क्रमधारय समास होता है। आपके दूसरा विकल्प प्रश्न 31 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 32वां प्रश्न देखेंगे। रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा राम प्लस आयन, रामा प्लस आयन, राम प्लस आयन और रामा प्लस आयन। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर बताओ भाई, प्रश्न नंबर 32 में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों? आयन क्या, सॉरी अयन है तीसरा विकल्प है ना, तो राम प्लस अयन ये बिल्कुल इसका सही संधि विच्छेद है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है, राम प्लस अयन बराबर रामायण शब्द बनता है। यहाँ पर देखिए, अयन में तो न नल वाला है और यहाँ रामायण में अण है, तो ये चेंजेस कैसे होता है? क्योंकि एक व्यंजन संधि का नियम आता है जिसमें ये व्यंजन संधि का नियम कहता है कि यदि री रे और शे के बाद में या यहाँ पर बाद में अगर न नल वाला आ जाता है तो न नल वाला किस में बदल जाता है? अण में बदल जाता है। तो रामायण में रे शब्द आ रहा है, अतः यहाँ पर न किस में बदल गया? अण में बदल गया। तो अतः विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 32 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 पे आएंगे। 33वां प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है? टीकाओं, लिखित, अनपढ़ और नैतिक। तो इनमें से जिस विकल्प में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है उसका चयन आपको प्रश्न 33 में करना है। टीकाओं में टीका मूल शब्द है, ओ प्रत्यय लगा हुआ है। लिखित में इत प्रत्यय लगा हुआ है साथियों, ठीक है। अनपढ़ और नैतिक, तो नैतिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, नीति प्लस इक शब्द बन जाता है नैतिक। लेकिन जो अनपढ़ जो शब्द है इसमें पढ़ मूल शब्द है और अन क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब अनपढ़ में कोई भी प्रत्यय नहीं है, अतः ये आपको देखना था। तो 33वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका सही है, अनपढ़। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 पे आएंगे। तो चलिए 34वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? नैतिक का, अनैतिक, देहाती का, ग्रामीण, संतुष्ट का, असंतुष्ट और सभी युग्म सही है। तो इनमें से जिस विकल्प में आपको लग रहा है कि ये विलोम युग्म सही नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 34 में करना है साथियों।
प्रश्न संख्या 34 का जो राइट आंसर है, नैतिक का विलोम अनैतिक होता है और संतुष्ट का विलोम असंतुष्ट होता है। लेकिन देहाती और ग्रामीण ये तो दोनों पर्यायी शब्द है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, विलोम तो उल्टे होते हैं ना, और ये उल्टे नहीं है, अतः जो दूसरा विकल्प है ये सही विलोम युग्म नहीं है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 34 में सही रहेगा। नेक्स्ट 35वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, महाभारत, देहाती, ग्रामीण और ग्रंथ। तो जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन 35वें प्रश्न में कीजिएगा। साथियों देखिए प्रश्न संख्या 35 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा साथियों 35वें प्रश्न में जो महाभारत शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, बल्कि महाभारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है। कैसा शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। बाकी देहाती, ग्रहंत और ग्रामीण तीनों ही किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये तीनों ही कैसे हैं, जातिवाचक है। लेकिन महाभारत, महाभारत यहाँ पर विशेष पुस्तक का नाम है साथियों, अतः यहाँ ये एक जातिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो प्रथम विकल्प 35वें में सही है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए गद्यांश हमने पहले भी पढ़ा था लेकिन उसमें कोई दिक्कत आई नहीं, गद्यांश को पढ़ने के बाद भी हमने उसको देखा नहीं था प्रश्नों को हल करने में। तो चाहो तो आप गद्यांश को पढ़ सकते हो, मैं बिना गद्यांश के ही यहाँ पर प्रश्न नंबर 36 करवा रहा हूँ। तो साथियों प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, ऋतु, रोशनी, वृक्ष और फल। तो इनमें से जिसका वचन अथवा लिंग जो लिंग है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, तो उस शब्द का आपको प्रश्न नंबर 36 में चयन करना है। देखो ऋतु का ऋतुओं हो सकता है तो वचन बदल गया, वृक्ष का वृक्षों हो सकता है तो इसमें भी वचन बदल गया, फल का फलों हो सकता है तो इसमें भी बदल गया, लेकिन रोशनी जो शब्द है इसका लिंग अथवा वचन किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, अतः 36वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 37वें प्रश्न को देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से असंगत है, प्रकृति, धूप, ऋतु और पानी। तो जो स्त्रीलिंग से असंगत है उसका चयन प्रश्न नंबर 37 में करना है। साथियों प्रकृति अच्छी होती है तो स्त्रीलिंग, ऋतु अच्छी होती है तो स्त्रीलिंग, धूप अच्छी होती है तो स्त्रीलिंग, लेकिन पानी कैसा होता है, अच्छा होता है। अच्छा का मतलब पुल्लिंग से और अच्छी का मतलब स्त्रीलिंग से लिया जाता है, तो मतलब जो पानी शब्द है ये स्त्रीलिंग से असंगत है क्योंकि पानी शब्द क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। साथियों विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न 37 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 पे आएंगे, 38वां प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत। तो देखो अगर प्रश्न होता कि भारतीय मनीषी जंगल में रह रहे थे तो वो अपूर्ण हो जाता, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, करते थे मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी है साथियों भूतकाल में, और जहाँ क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी होती है और बहुत समय पहले की बात हो तो उसको पूर्ण भूत के अंतर्गत शामिल करा जाता है। विकल्प 3 आपके प्रश्न 38 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 पे आएंगे, तो 39वां प्रश्न है आपके, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो रेखांकित शब्द है नैमित्तिक, इसका आपको अर्थ बताना है, नित्य किया जाने वाला, निमित्त से किया जाने वाला, निमित्त करने वाला और नियमों से किया जाने वाला। तो साथियों प्रश्न नंबर 39 का उत्तर बताओ भाई, नैमित्तिक शब्द का अर्थ इनमें से किस विकल्प में दे रखा है, 39 में प्रश्न संख्या 39 में राइट आंसर। तो साथियों नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, तो प्रश्न नंबर देखो, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, तो इस नैमित्तिक शब्द का जो अर्थ है वो होता है निमित्त से किया जाने वाला। दूसरा विकल्प आपके 39 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 40वां प्रश्न देखेंगे, दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है, दीपक का बड़ा भाई नहला रहा है और बड़ा भाई राकेश। देखो उद्देश्य का मतलब लिया जाता है कर्ता से, और कर्ता का विस्तार क्या होता है, जो कर्ता के पहले वाक्य दे रखा होता है वही उद्देश्य या कर्ता का विस्तार होता है। तो नहलाने का कार्य कौन कर रहा है साथियों, राकेश। तो मतलब यहाँ पर राकेश के पहले का जो वाक्य है वो उद्देश्य या कर्ता का विस्तार कहलाएगा। तो दीपक का बड़ा भाई, बिल्कुल ये जो वाक्य है यहाँ तक ये कर्ता या उद्देश्य का विस्तार है। विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न संख्या 40 में सही है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न देखते हैं,
तो 41वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, संकेतार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य और मिश्र वाक्य। तो देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, जिसमें संकेतार्थक वाक्य भी होता है, इच्छार्थक वाक्य भी होता है और निषेधार्थक वाक्य भी होता है। लेकिन जो मिश्र वाक्य है ये अर्थ के आधार पर नहीं होता है, बल्कि मिश्र वाक्य साथियों किसके आधार पर होता है, रचना के आधार पर होता है। अतः विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो विकल्प है सबकी बुद्धि मारी जाना, कुएं का पानी गंदा होना, बहुत परेशान होना और भाग्य का खराब होना। तो प्रश्न संख्या 42 का बताओ सही उत्तर कौन सा रहेगा आपके। यहाँ कुएं में भांग पड़ना इसका सही अर्थ आपको बताना है। तो साथियों ये जो मुहावरा है इसका सही अर्थ होता है सबकी बुद्धि मारे जाना ही कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, किसी की बुद्धि काम नहीं करती है, ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो चलिए 43वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 43 से, निम्न में से लोकोक्ति नहीं है, कालाक्षर भैंस बराबर एक अनार 100 बीमार, उल्टे बांस बरेली को और आस्तीन का सांप होना। तो साथियों दिए गए विकल्पों में से जो लोकोक्ति नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 43 में करिएगा। 43वें प्रश्न में देखो, कालाक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति है, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति है, लेकिन आस्तीन का सांप होना लोकोक्ति नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक मुहावरा है। क्या है, ये एक मुहावरा है। अतः विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 पे आएंगे तो आपके 44वां प्रश्न है, उद्धरण चिन्ह है। तो विकल्प 1, 2, 3 और 4, इनमें से देखिए उद्धरण चिन्ह कौन से विकल्प में दे रखा है साथियों, प्रश्न नंबर 44 में बताओ। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो चौथा विकल्प है ये तो अथवा वाला चिन्ह है, ठीक है, अब विकल्प वाला अथवा वाला, ठीक, और उद्धरण चिन्ह का उदाहरण पहले विकल्प में दे रखा है साथियों, जो किसी भी शब्द के ऊपर हम लगाते हैं विशेष अर्थ, विशेष उसको महत्व देने के लिए। विकल्प 1 आपके प्रश्न 44 में सही है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न देखेंगे, कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए, रेखांकित पदबंध है, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध। तो 45वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 45 में सही है। देखिए ये जो अंडरलाइन हो रही है ये कहाँ तक हो रही है, आप तक हो रही है साथियों, और आप शब्द क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, मतलब यहाँ पर ये कौन सा पदबंध है साथियों, सर्वनाम पदबंध का ये उदाहरण है। आपको ये देखना होता है पदबंध में कि जो लाइन खींची होती है उसमें अंतिम शब्द कौन सा होता है, वही वहाँ पर आपका पदबंध होता है। तो अंतिम शब्द आप है और आप क्या है, सर्वनाम, इसलिए सर्वनाम पदबंध इसका सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 45 में साथियों। वीडियो अच्छा लगे, आपको व्याख्या अच्छी लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए 46वां प्रश्न, वह कथा जो मूल कथा में आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अंतर कथा, आंतरिक कथा, परिकथा और अनन्य कथा। तो साथियों जो कथा मूल कथा में आती है उस कथा को किस नाम से जाना जाता है साथियों, कथा के बीच में अगर कोई कथा आ जाती है तो उसको अंतर कथा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, अंतर कथा के नाम से। विकल्प 1 आपके 46 में सही है। नेक्स्ट 47 पे आएंगे तो चलिए 47वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, शर्करा, अग्नि, रानी और कार्य। तो इनमें से जो तत्सम शब्द नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 47 में करना है। तो बताइए भाई आपके प्रश्न नंबर 47 में कौन सा विकल्प सही है साथियों, शर्करा, शर्करा का शक्कर हो जाता है तो ये तत्सम शब्द है, अग्नि का आग हो जाता है तो ये भी तत्सम शब्द है, कार्य का काज हो जाता है तो बिल्कुल ये भी तत्सम शब्द है, लेकिन रानी जो शब्द है ये तत्सम शब्द नहीं है साथियों। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 पे आएंगे तो 48वां प्रश्न, कक्षा 1 में लिखना रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है से प्रारंभ होता है, वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से और चित्र बनाने से। तो प्रश्न नंबर 48 में राइट आंसर बताओ, कक्षा 1 की बात की जा रही है इसमें लिखना किससे आरंभ होता है, 48 में राइट आंसर देखिएगा। देखो वाक्य बालक आते ही कक्षा 1 में है तो आते ही वो वाक्य थोड़े लिखेगा साथियों, ना ही आते ही अक्षर लिखेगा, बल्कि आते ही वो टेढ़े मेढ़े चित्र बनाने लग जाता है। तो इस प्रकार कक्षा 1 में लिखना किससे आरंभ होता है, चित्र बनाने से आरंभ होता है। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 48 में सही है। नेक्स्ट 49 को देखेंगे,
आपके 49वां प्रश्न है, रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। प्रणाली कक्षा कक्ष शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देती है, तो डाल्टन प्रणाली, मोंटेसरी प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली और प्रोजेक्ट प्रणाली। देखो किंडरगार्टन प्रणाली में स्वाध्याय पर बल नहीं दिया जाता है और ना ही मोंटेसरी में। मोंटेसरी प्रणाली बाल केंद्रित है और किसके द्वारा दी गई है, मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा ये प्रणाली दी गई है। किंडरगार्टन विधि भी बाल केंद्रित है और साथियों ये किसके द्वारा दी गई है, अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। प्रोजेक्ट विधि भी बाल केंद्रित है और यह किसके द्वारा दी गई है, यह किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। लेकिन इन तीनों ही विधियों में स्वाध्याय पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि आपके जो डाल्टन विधि है साथियों, इस डाल्टन विधि में कक्षा कक्ष शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल दिया जाता है। तो विकल्प एक आपके 49वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 है आपके, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, उद्बोधन विधि, व्यास विधि, प्रश्नोत्तर विधि और खंडान्वय विधि। तो इनमें से जो शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है गद्य शिक्षण में, उसका चयन प्रश्न संख्या 50 में करिएगा साथियों। आपके कौन सा विकल्प प्रश्न नंबर 50 में सही है, तो देखिएगा 50वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट किस विधि से किया जाता है, उद्बोधन विधि से किया जाता है। विकल्प एक आपके प्रश्न 50 में सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 51वां प्रश्न देखते हैं। असत्य कूट को पहचानिए। पहला विकल्प है शिक्षा प्राप्ति का आकलन, योगात्मक आकलन, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन, रचनात्मक आकलन, अधिगम के लिए आकलन, सारांशात्मक आकलन और शैक्षणिक प्रक्रिया से पूर्व छात्र के शैक्षणिक स्तर का आकलन, नियोजन आकलन। तो जो इनमें से असत्य कूट है उसका चुनाव प्रश्न नंबर 51 में करना है। तो बताओ भाई प्रश्न नंबर 51 में आपके कौन सा आंसर रहेगा साथियों। शिक्षा प्राप्ति के आकलन को तो योगात्मक आकलन कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरे विकल्प को भी देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन, जिसको क्या कह रहे हैं, रचनात्मक आकलन। तो जो आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं, यदि उस समय आकलन कर रहे हैं तो उसको रचनात्मक आकलन ही कहते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, अधिगम के लिए आकलन, तो अधिगम के लिए आकलन को सारांशात्मक आकलन नहीं कहा जाता है। तीसरा जो विकल्प है ये असत्य है, गलत है साथियों। तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 पे आते हैं, तो आपके 52वां प्रश्न देखेंगे। पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण है मुख पृष्ठ, कीमत, आकार और भाषा। तो इनमें से जो पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण है उसका चयन प्रश्न नंबर 52 में करिएगा साथियों। देखो जो मुख्य पृष्ठ है बाहरी गुण है, आकार है बाहरी गुण है, कीमत है बाहरी गुण है, लेकिन पुस्तक की जो भाषा है उसकी जो लैंग्वेज है साथियों, कि किस लैंग्वेज में किस भाषा में पुस्तक को लिखा गया है, किस तरीके का इस्तेमाल किया गया है भाषा को लिखने में, यह उसके आंतरिक गुणों में सम्मिलित होता है। अतः प्रश्न संख्या 52 में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 की ओर पढ़ेंगे, तो आपके 53वां प्रश्न है। प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है बुलेटिन बोर्ड, रेडियो, मायादीप और भाषा प्रयोगशाला। तो इनमें से जो प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है उसका चयन प्रश्न नंबर 53 में कीजिए। कौन सा विकल्प आपके 53वें प्रश्न का सही उत्तर है, तो साथियों देखो प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी दोनों प्रकार की सामग्रियों को कई बार पढ़ा चुका हूँ। बुलेटिन बोर्ड की बात करें तो दृश्य सामग्री होने के साथ साथ में यह अप्रक्षेपी सामग्री है। रेडियो की बात करें तो यह श्रव्य सामग्री होने के साथ साथ में अप्रक्षेपी सामग्री है। लेकिन जो मायादीप है साथियों, यह शिक्षण की कैसी सामग्री है, एक प्रक्षेपी सामग्री है, और दृश्य श्रव्य पर बात करें तो यह एक दृश्य सामग्री है। तो विकल्प नंबर जो 3 है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। मायादीप यहाँ पर प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री में आता है। थर्ड विकल्प 53 में सही है। नेक्स्ट 54 पे आएंगे, तो 54 54वां प्रश्न। तो साथियों इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 53 में बिल्कुल तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 की ओर बढ़ेंगे, चलिए 54वां प्रश्न देखेंगे। व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, खंडान्वय विधि के नाम से, दंडान्वय विधि के नाम से, भंडारकर विधि के नाम से और सुग्गा प्रणाली के नाम से। तो इनमें से व्याकरण अनुवाद विधि को जिस नाम से जाना जाता है उसका चयन प्रश्न नंबर 54 में करिएगा साथियों। देखिए जो 100 टेस्टों की सीरीज मैंने चला रखी है शिक्षण विधियों की, सारे के सारे प्रश्न आप इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, इसमें तो खैर है ही है, जो रीट का एग्ज़ाम होगा उसमें भी वही चीज़ें मिलेगी साथियों आपको। तो बिल्कुल उस टेस्ट सीरीज को ज़रूर अटेंड करिएगा, पूरी टेस्ट सीरीज को।
54वें प्रश्न में व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 54 में आपके तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि व्याकरण अनुवाद विधि का जो जनक है वो भी गोपाल कृष्ण भंडारकर है, इसीलिए इस विधि को भंडारकर विधि कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट 55वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 55 है, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, निबंध और पत्र। तो इनमें से जो मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है उसका चयन प्रश्न नंबर 55 में कीजिए साथियों। देखिए प्रार्थना पत्र की बात की जा रही है, प्रार्थना पत्र और निबंध, तो ये दोनों ही चीज़ें लिखित होती है, पत्र भी लिखित है, लेकिन जो वाद विवाद वाला जो दूसरा विकल्प आपके यहाँ पर दे रखा है ये मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। तो विकल्प दो आपके प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 56वां प्रश्न देखेंगे। अच्छा एक कमेंट और करके जाना कि इस टेस्ट में आपने 30 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो 56वां प्रश्न है आपके, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है, यह कथन किसका है? तो अरस्तु का कथन है, रायबर्न का कथन है, फ्रोबेल का कथन है और रोजर बेकन का कथन है। तो साथियों 56 में सही उत्तर बताओ आपके कौन सा विकल्प प्रश्न नंबर 56 में सही है। यहाँ पर बोलना क्या कर रहा है, मनुष्य को पूर्णता तक पहुँचा रहा है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बना रहा है साथियों, यह कथन बेकन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? बेकन के द्वारा। तो चौथा विकल्प आपके 56 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। आपके 57वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत और इनमें से सभी। तो दिए गए विकल्पों में से भाषा का सिद्धांत कौन सा है? 57 में सही उत्तर बताओ साथियों, कौन सा विकल्प आपके 57वें प्रश्न का सही उत्तर होगा? तो 57वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में क्रियाशीलता का सिद्धांत भी आता है, मतलब बालक क्रिया के माध्यम से भाषा को सीखे, क्रिया करके। रुचि का सिद्धांत भी आता है, बालक की रुचि उस भाषा को सीखने में होनी चाहिए। स्वाभाविकता का सिद्धांत भी आता है, अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी, यही प्रश्न नंबर 57 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 58वां प्रश्न है, एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिलान प्रश्न के नाम से, सामान्य प्रत्यस्मरण प्रश्न के नाम से, सत्य असत्य प्रश्न के नाम से और वर्गीकरण प्रश्न के नाम से। तो जो एकांतर प्रत्युत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं साथियों, इनको अन्य और किस नाम से जाना जाता है 58 में देखिएगा। देखिए सामान्य प्रत्यस्मरण प्रश्न तो रिक्त स्थान के प्रश्नों को कहते हैं, यह आपका आंसर नहीं होगा साथियों। 58 में जो सत्य असत्य प्रश्न हैं इनको ही एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्नों के नाम से भी जाना जाता है। अतः 58 में आपके जो तीसरा विकल्प है साथियों ये ही बिल्कुल सही उत्तर रहेगा साथियों। यहाँ पर हिंदी के अलावा आपको शिक्षण विधियों की 100 टेस्टों की सीरीज, हिंदी की 100 टेस्टों की सीरीज और साइकोलॉजी की 100 टेस्टों की सीरीज पूर्णतः निःशुल्क करवाई जा रही है साथियों। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में यहां पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। चलिए 59 की ओर बढ़ेंगे। तो 59वां प्रश्न है आपके, निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य है, पहला विकल्प है छात्र की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, दूसरा है छात्र की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना, तीसरा है छात्र को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना और चौथा है इनमें से सभी। तो 59वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ, निदानात्मक परीक्षण का तात्पर्य इनमें से किससे लिया जाता है साथियों। 59 का राइट आंसर देखते हैं, छात्र की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है साथियों, क्योंकि निदान का मतलब त्रुटियों की जानकारी लेना और इन त्रुटियों को दूर करने का कार्य या इन कठिनाइयों को दूर करने का कार्य किसमें किया जाता है? उपचारात्मक में किया जाता है। तो ये तो उपचारात्मक शिक्षणों का अर्थ है और ये निदानात्मक शिक्षण का अर्थ है प्रथम विकल्प। तो विकल्प एक ही आपके प्रश्न संख्या, कौन सा प्रश्न है 59, तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। अब अंतिम और 60वां प्रश्न देख लेते हैं आपके हिंदी का। तो चलिए 60वां प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सह शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्षेत्र नहीं है, जीवन कौशल, मूल्य व अभिवृत्ति, विश्लेषण क्षमता और कार्य क्षमता। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सह शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्षेत्र नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 60 में करना है साथियों। जीवन कौशल, मूल्य व अभिवृत्ति और कार्य शिक्षा,
तीनों का संबंध सह शैक्षिक पक्ष से है, लेकिन विश्लेषण क्षमता शैक्षिक पक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? शैक्षिक पक्ष से। अतः विकल्प नंबर जो आपके जो दो है, यही प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर होगा। तो ये कंप्लीट होता है आपके हिंदी का पेपर। साथियों, वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।